नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर वो पड़ ही जाते हैं, और आजकल मोदी जी इंडिया अलायंस के नेताओं के पीछे पड़े हैं, और वो चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस को हर कीमत पर तोड़ना चाहते। अब वो क्यों तोड़ना चाहते हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे खुलासा करूंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मोदी जी किस किस को तोड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी की हिट लिस्ट में वो कौन कौन नेता हैं जिनको वो तोड़ना चाहते हैं, ये मोदी जी की हिट लिस्ट क्या है। अब मोदी जी की ये हिट लिस्ट क्या है, इस हिट लिस्ट में किस किस के नाम है, मोदी जी के निशाने पर कौन कौन नेता हैं, टारगेट पर कौन कौन नेता हैं, और ये जो नाम है वो आज मैं नहीं बताऊंगा, ये नाम आपको ये साहब बताएंगे, JP नड्डा, जय प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप कह सकते हैं मोदी जी के सबसे विश्वसनीय नेता अमित शाह के बाद, आज ये बताएंगे, ये खुलासा करेंगे। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि नड्डा साहब ने आज किसी न किसी बहाने किन किन के नाम लिए, कौन कौन से नेता हैं जिनसे नड्डा जी को परेशानी, मोदी जी को परेशानी, मैं एक चीज़ शुरू में कहना चाहता हूं कि नड्डा जी को बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि नड्डा जी जो भी बोलते हैं कैमरे पर, माइक पर, उसको बहुत गंभीरता से आप सुने और बहुत ही उसको सीरियसली लें, क्योंकि नड्डा जी जो बोलते हैं वो दरअसल मोदी बोल रहे हैं, क्योंकि एक भी लफ्ज मोदी के बिना सहमति के नड्डा नहीं बोलते। अब नड्डा साहब क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अध्यक्ष हैं, तो साहब ये तो बोलेंगे नहीं कि ये हिटलिस्ट है, ये लोग मेरे टारगेट पर हैं, इनको मैं जेल भेज रहा हूँ, जिनको मेरी सरकार जेल भेज रही, ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे कम से कम कैमरे पर। लेकिन नड्डा साहब ने आज जो नाम लिए, विपक्षी नेताओं के जो नाम लिए एक एक करके राज्यवार, उन नामों पर जरा आप गौर करें और उन नामों को ध्यान से सुने, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे मोदी जी, नड्डा साहब, मोहन भागवत, अमित शाह, जिनको BJP से परेशानी है 2024 के फाइनल को लेकर। अब दोस्तों नड्डा साहब पहले कह चुके हैं, और वो बिहार में कह चुके हैं, पटना में, कि रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बार रीजनल पार्टी की जगह उन्होंने एक नया नाम दिया, परिवारवाद, कि वो परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो परिवारवाद है ये BJP NDA से जुड़ी पार्टियों को लेकर नहीं है, ये BJP के अंदर जो परिवारवाद है ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद के बहाने वो नाम गिना रहे हैं जो नड्डा जी की पार्टी के निशाने पर है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं बिहार से, सुनिए बिहार में कौन से नाम गिना रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पूरी लिस्ट आज आपको दिखाएंगे। अब बिहार आइए, मैं कल पटना था, कौन सी पार्टी है, RJD, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, फुल स्टॉप। बिहार के आपने नाम सुन लिए, बहुत ऑब्वियस है, तेजस्वी जो है उनकी ED घेराबंदी कर रही है, राबड़ी देवी से पूछताछ हो चुकी है, लालू यादव से पूछताछ हो चुकी है, तेजस्वी की घेराबंदी बड़ी तेजी से हो रही है, यानी आप कह सकते हैं कि टारगेट पर नंबर वन अगर कोई है तो तेजस्वी क्यों है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं बंगाल, बंगाल में भी सुन लेते हैं कि नड्डा जी के सामने कौन लोग हैं, कौन वो चेहरे हैं विपक्ष के जिनसे वो निपटना चाहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ शुरू में ही, कि नड्डा साहब ने कई नेताओं के नाम लिए इंडिया अलायंस के, लेकिन मैं वो नाम बता रहा हूँ जो प्रमुख हैं और वाकई जिनसे नड्डा निपटना चाहते हैं। तो पहले बंगाल चलते हैं, उसके बाद फिर और स्टेट्स के नाम लेंगे। तो बंगाल के पहले नाम सुन लीजिए, आप बंगाल आइए, TMC तृणमूल कांग्रेस, किसकी पार्टी है, PC भाईपो, PC मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और उनका भतीजा मतलब भाईपो अभिषेक बनर्जी, उसके बाद बाकी सब की छुट्टी। अब मोदी जी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान समझते हैं, और नड्डा जी भी समझते हैं, और मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर भतीजे की दुखती रग पर हाथ रखा जाए तो बुआ अपने आप
मेज पर सामने आ जाती हैं, निगोशिएशन टेबल पे आ जाती हैं। और यही स्ट्रेटजी कमोबेश बीजेपी की या ईडी की, सीबीआई की बंगाल में, जहां अभिषेक बनर्जी से 9 अक्टूबर आने वाली 9 अक्टूबर को फिर पूछताछ ईडी करने जा रही है। लगातार घेराबंदी है, कहीं ना कहीं ममता को मैसेज दिया जा रहा है। क्या मैसेज दिया रहा है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं बंगाल से सटे एक और राज्य झारखंड और सुनते हैं कि नड्डा जी की आंख की किरकिरी झारखंड में कौन है। झारखंड आइए, किससे हम लड़ रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उसका भाई, उसकी पत्नी, बाकी छुट्टी। हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस के बहुत मजबूत पार्टनर हैं और आप कह सकते हैं ग्लू की तरह, गोंद की तरह वो चिपके हुए हैं राहुल गांधी से, इंडिया अलायंस से। लेकिन पिछले 1.5 महीने में कम आधा दर्जन नोटिस ईडी के जा चुके हैं। लगातार घेराबंदी हेमंत सोरेन की चल रही, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ में भी कई लोग निशाने पर हैं, केसीआर भी निशाने पर हैं जेपी नड्डा के, लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु इस बार फिर से स्वीप करने जा रहा है। वहाँ पर 39 सीट्स हैं लोकसभा में और स्टालिन यानी डीएमके के परिवार से बीजेपी के परिवार को, संघ परिवार को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तमिलनाडु के भी नाम सुन लीजिए। आप जरा इससे थोड़ा और नीचे चले जाइए, करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि। अब क्योंकि नड्डा साहब नेता हैं तो सियासत की जुबान में बोल रहे हैं, परिवारवाद की वो बात कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद के पीछे पीछे वो टारगेट भी बता रहे हैं आपको, और आपने सारे टारगेट सुने। महाराष्ट्र का टारगेट भी जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन रडार पर है। और महाराष्ट्र का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में, 48 सीट्स। यूपी में अगर 80 हैं तो 48 सीट्स महाराष्ट्र में, और ये सारी सीटें मोदी जी की फंसी हुई हैं इस पर। पहले टारगेट सुन लेते हैं कि कौन यहां पर आंख की किरकिरी है नड्डा जी के, मोदी जी के महाराष्ट्र में। आप जरा थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, बाकी छुट्टी, शिवसेना, उद्धव, आदित्य, बाकी छुट्टी। अब यूं तो नड्डा जी ने कई नाम बताए, लेकिन मैंने आपको प्रमुख नाम वो आपके सामने मैंने रखे हैं जहां कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है, और इसीलिए चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये नाम मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि यही टॉप प्रायोरिटी है। और तमिलनाडु में छापे चल रहे हैं, बंगाल में छापे चल रहे हैं, दिल्ली में आप ऑपरेशन जेल दिख ही रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येन जैन के बाद संजय सिंह को भेज दिया गया, ऑपरेशन जेल दिल्ली में चल रहा है। अगला मैंने आपको टारगेट बता ही दिया है, अभिषेक बनर्जी हैं, और मैं बताऊंगा क्यों हैं, और उसके बाद झारखंड के चीफ मिनिस्टर या झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी टॉप टारगेट में से एक है। और टारगेट पर समाजवादी पार्टी भी है, नाम अखिलेश यादव का भी लिया था जो मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि लंबी लिस्ट थी। तो ये तो एक तरफ लिस्ट रही, लेकिन असली गेम क्या है, ये नाम जो लिए हैं और इन नामों से निपटना क्यों चाहते हैं मोदी जी, व्हाट इज़ द रियल गेम, असली खेल क्या है, इनसे निपटना क्यों चाहते हैं, इनको जेल भेजना क्यों चाहते हैं, हर आदमी अब संजय सिंह क्यों बनेगा, इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों सवाल जो असली है, जो बिग क्वेश्चन है कि आखिर इन नेताओं से निपटना मोदी जी क्यों चाहते हैं, बीजेपी क्यों चाहती है, और उसके पीछे गेम क्या है, खेल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सोच क्या है मोदी और अमित शाह की, उनके चाणक्य की। दरअसल पिछली जो भी मीटिंग्स हुई हैं इंडिया अलायंस की, पटना में, फिर बेंगलोर में, फिर मुंबई में, फिर दिल्ली में, एक खाका तैयार हुआ, एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, जैसे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। अब तक 350 सीटें तय हुई हैं, मोटा मोटी 350 सीटों पर, लोकसभा की 542-543 सीटों में, 350 सीटों में इंडिया अलायंस संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी मैदान में। आप यूं कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट होगा, एक उम्मीदवार होगा, तो एक उम्मीदवार इंडिया अलायंस का होगा, ज्वाइंट कैंडिडेट आप कह सकते हैं, संयुक्त उम्मीदवार, यानी जो बैटल होगा 350 सीटों पर वो 1-1 होगा, एक बीजेपी का तो एक अलायंस का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 350 सीटें ही होंगी, हो सकता है कि ये फिगर 400 पर तक पहुंच जाए, 400 सीटों पर अरेंजमेंट हो जाए क्योंकि अभी कई महीने हैं, लेकिन 1-1 इस लड़ाई से मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं, अमित शाह क्यों घबरा रहे हैं, इसका तोड़ क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है, वोट शेयर वो 37 पर ही अटका है, हो सकता है 37% से और कम हो जाए क्योंकि उनके पास बहुत
मजबूत अलायंस नहीं है उनके पास। उनके पास ना इस बार उद्धव ठाकरे हैं, ना पंजाब में अकाली दल है, ना बिहार में नीतीश कुमार है। तो जहां बीजेपी की अलायंस सिमट रही है, वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया की अलायंस बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करी। तो इंडिया अलायंस के पास वोट ज़्यादा हैं, बीजेपी के पास वोट कम हैं। और अगर 1-to-1 हुआ तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती होगी, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट पहली बार हो रहा है, ये 2014 में ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, 2014 में मोदी जी के सामने एक बिखरा हुआ विपक्ष था, और कमोबेश 2019 में भी एक बिखरा हुआ विपक्ष था। विपक्ष के पास वोट तो थे, मोदी जी से ज़्यादा थे, इकट्ठा नहीं थे, एक नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे। अब ये वोट लामबंद हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं। मोदी जी इसी को तोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए ये ऑपरेशन जेल उनको शुरू करना पड़ा है। अब मेरे जो जानकार हैं बीजेपी में, या आप यूँ कह सकते हैं एनडीए में, उनका ये कहना है कि मोदी और अमित शाह की जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, वो ये है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ें, बाकी पार्टी अलग लड़ें, तो फिर 2019 जैसी स्थिति बंगाल में उन्हें फिर से मिलेगी। हालांकि बीजेपी अब उतनी बड़ी ताकत नहीं, फिर भी अगर ममता, कांग्रेस और बाकी पार्टियां यानी लेफ्ट एक हो जाती हैं तो फिर दिक्कत है। तो वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसीलिए उनके भतीजे को बार बार परेशान किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव काश अलग लड़ें, मायावती अलग लड़ें, कांग्रेस अलग लड़े, तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी एक सुखद आप कह सकते हैं स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे और विपक्ष बिखरा रहेगा। लेकिन अखिलेश मानने को तैयार नहीं है, डर तो इस बात का बीजेपी को है कहीं आखिरी वक्त पे मायावती भी ना आ जाए तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा यूपी में। बिहार में वो चाहते हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश बाबू फिर से लालू के साथ अलग हो जाए, अगर हमारे साथ नीतीश नहीं आते तो दोनों में झगड़ा हो जाए, आरजेडी अलग लड़े, जेडीयू अलग लड़े, डिवीजन ऑफ वोट्स हो जाए, ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में। लेकिन नीतीश कहाँ मानने वाले हैं, हालांकि नीतीश के लोगों की घेराबंदी हो रही है और उधर तेजस्वी की भी घेराबंदी की जा रही है। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी शिवसेना का वोट नहीं तोड़ पाए। अगला टारगेट शरद पवार, शरद पवार और उनकी बेटी को चाहते हैं अमित शाह कि वो उनके भतीजे के साथ आ जाएं, अजीत पवार के साथ आ जाएं। तो शरद पवार और उनकी बेटी अगर साथ आती हैं बीजेपी के, जैसे उनके भतीजे आ गए या प्रफुल्ल पटेल आ गए या बाकी नेता आ गए छगन भुजबल वगैरह एनसीपी के, ऐसे ही शरद पवार आ जाएं, तो ये एनसीपी का एक बड़ा वोट शेयर उनके साथ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को झकझोरने की कोशिश है, लेकिन इस बुढ़ापे में भी, इस उम्र में भी, इस बीमारी में भी शरद पवार टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं, जो मैंने राजनीति की है 50-55 बरसों में, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और एक मुसीबत और है केजरीवाल। अगर केजरीवाल अलग लड़ें तो थोड़ा पंजाब में बेनिफिट होगा मोदी जी को, दिल्ली में होगा, गुजरात में भी होगा। तो वो चाहते हैं कि केजरीवाल को भी एक सबक सिखाया जाए। तो कुल मिलाकर कई ऐसे नेता हैं, वो चाहते हैं मोदी और शाह कि ये अलग हो जाए इंडिया अलायंस के, उसकी छतरी से बाहर निकल जाए, और 2019 और 2014 जैसा मैदान मोदी जी को फिर मिल जाए 2024 में, और अकेले उनकी नाव निकल जाए, किनारे लग जाए, शपथ के पास आ जाए मोदी जी। और अब दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर पड़ ही जाते हैं, लेकिन अक्सर किस्मत जो है वो दीवार की तरह आ जाती है। कभी कभी जो समय है, ग्रह है, स्थितियां हैं, वो साथ नहीं देती, और मोदी जी के साथ कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है, जो ज़मीन पर दिखता है, ऐसा लगता है कि वक्त जो है वो मोदी जी के साथ उतना नहीं है जितना 2019 में वक्त मोदी जी के साथ खड़ा था, या 2014 में खड़ा। तो तकलीफें मोदी जी को भी हैं, उनके लिए भी टास्क उतना आसान नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना। तो क्या इस मिशन को मोदी जी कामयाब कर पाएंगे, और अगर जेल में वो इन नेताओं को डाल देते हैं तो क्या उनको फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा? ये जो आप कह सकते हैं इसका हिसाब किताब है, एक ऐसा शख्स है अशोक वानखेड़े टाइगर, जो बहुत बेखौफ होकर, बहुत ही आप कह सकते हैं निष्पक्ष होकर चीज़ों को सामने रख सकता है बिना मोदी जी से डरे हुए।
और हम टाइगर से जानने की कोशिश करेंगे और टाइगर से ये भी जानेंगे कि ये जो नड्डा जी का मिशन है, ये जो नड्डा जी का जो आज भाषण था तेलंगाना में कि बिहार में ये नेता, बंगाल में ये नेता, झारखंड में ये नेता, महाराष्ट्र में ये नेता, ये जो बोलते चले गए, भले ही परिवारवाद की आड़ में उन्होंने नाम लिए, इसका मतलब क्या है, इसको भी डिकोड करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं, चलते हैं सीधे टाइगर के पास, समझते हैं 2024 की एक बड़ी तस्वीर को। और इस तस्वीर को दोस्तों अगर आपने समझा तो कहीं ना कहीं 24 का नतीजा, उसकी तस्वीर भी साफ होने लगेगी। चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल है कि जेपी नड्डा, भले ही उनका कद छोटा हो अमित शाह से, भले ही उनका कद छोटा हो नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है वो जेपी नड्डा से ही निकलती है। जेपी नड्डा ने कल पटना में कहा था कि जो रीजनल पार्टी, इनको किसी सूरत से खत्म करना होगा, और आज तेलंगाना में उन्होंने रीजनल पार्टी की जगह एक नया शब्द किया कि ये परिवार वाली पार्टी है, और उन्होंने कहा कि एक एक करके इनसे निपटना होगा, और अगर ये पार्टियां रहती हैं तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो आज उन्होंने बोला है, अपोजिशन को तोड़ने का खेल है और ये खेल शुरू हो चुका है? यकीनन ये खेल हो चुका है शुरू, खासकर जब उन्होंने 31 जुलाई 2022 को पटना में ये कहा था कि क्षेत्रीय दलों के लिए कोई जगह नहीं इस देश में, अब उनको समाप्त, यानी उनकी समाप्त ही करनी चाहिए, उनको समाप्त हो जाना चाहिए, हम समाप्त कर देंगे उनको। और उसके 9 दिनों बाद आरजेडी और जेडी, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश बाबू ने और लालू जी ने सरकार बनाई और बीजेपी सत्ता से बाहर गई। ये रीजनल पार्टीज ने अपनी औकात दिखा दी बीजेपी को तब। अब बात ये करते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं, रीजनल पार्टीज आती है, रीजनल पार्टीज अपने लिए लड़ती है, उनकी दोनों प्लस माइनस है। रीजनल पार्टीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर ये भी है कि यदि उनको चुनाव जितवाते हैं तो वो राज्य की जनता है जो उनको प्यार करती है। तो आपका परिवारवाद कहने से, राज्य की जनता यदि उनको चुनाव जितवाती है, केसीआर को जिस हिसाब से मैंडेट मिला पिछली बार, मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि वहां पे बाकी सब सिंगल डिजिट में है और केसीआर ट्रिपल डिजिट में है, दो तिहाई बहुमत कह लीजिए आप, दो तिहाई से ज्यादा बहुमत है, तो ऐसे में मैंडेट दिया तो उन लोगों का, मतदाताओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है जेपी नड्डा को। लेकिन जेपी नड्डा जब बोलते हैं तब एक उंगली जब आप दूसरी तरफ उठाते हो तो बाकी चार उंगलियां आपकी तरफ है। हमारे यहाँ एक इंडिया गठबंधन है, उसमें कांग्रेस पार्टी लेफ्ट छोड़ा तो बाकी सारी क्षेत्रीय दल है। आम आदमी पार्टी ऐसी है कि क्षेत्रीय दल होते हुए 2 राज्यों में उनकी सरकार है, और ये सारा कुनबा इंडिया का कुनबा बोलते हैं। जब इंडिया गठबंधन की बेंगलोर मीटिंग हुई तो एनडीए की, जो बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, उसकी पहली बार मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इनके पास जितने लोग हैं तो हमारे पास 38 लोग हैं। अब आप परिवारवाद और क्षेत्रीय दल, इसकी परिभाषा क्या करते हैं ये पता नहीं, लेकिन मैं आज अपने दर्शकों के सामने एनडीए का नग्न सत्य लाना चाहता हूं सामने। जो इंडिया के पास है वो सबको पता है एनडीए में क्या है। एनपीपी ये पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, ये संगमा जी की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है। संगमा जी के बेटे, हाँ, कोनार्ड संगमा, ये उसके हेड जी 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 बिल्कुल उसके पार्ट है। फिर उसके बाद है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, एन रागास्वामी की, 2011 में कांग्रेस से टूट के अलग हुई, ये भी रामास्वामी की पर्सनली जेबी पार्टी है, पर्सनल पार्टी जी। उसके हाँ, उसके बाद अपना दल सोनेलाल, सोनेलाल की बेटी, उनके पति पति पत्नी दोनों, ये भी पति पत्नी पति पत्नी जी, हस्बैंड एंड वाइफ के गठबंधन है। हाँ, मतलब हस्बैंड जो है वो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं और वाइफ जो है वो मंत्री हैं मोदी जी के साथ। हाँ, अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए आए हैं और ये पार्टी मांझी की पर्सनल पार्टी है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, चौटाला परिवार। जेडीएस, देवगौड़ा परिवार। एलजेपी, चिराग, मतलब दोनों धड़े, बेटे का भी धड़ा, भाइयों का भी धड़ा उनके साथ है। एक एनडीपीपी है रियो, वो भी फिर जिनकी है संजय निषाद, राजभर। मैं टाइगर समझ गया, आप पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। एक नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, दो तीन नाम बचे हैं। अजित पवार, एनसीपी, पवार पार्टी।
शिवसेना कल तक परिवार की पार्टी थी, अभी भी शिंदे की परिवार की पार्टी है, शिंदे का बेटा और शिंदे दोनों ही बाप बेटे। संजय निषाद एक बेटा सांसद जी जी बेटा विधायक, NBSP ओम प्रकाश राजभर इसकी भी पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस जी के मुपनार इनके बेटे टाइगर टाइगर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस को खत्म करेंगे, आज उन्होंने एक नया शब्द परिवारवाद दे दिया है, उससे पहले उन्होंने उसको क्षेत्रीय पार्टी कहा था, वो शब्द बदल रहे हैं, वो सिर्फ नए नए शब्द क्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, मकसद क्या है? देखिए ये भाषण कहां दे रहे थे, पहली बार उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी कही तो RJD को समाप्त करना था पटना में, जब दूसरी बार उन्होंने परिवारवाद कहा तो ये तेलंगाना में, KCR इनको पैर रखने नहीं दे रहे कहीं, और KCR के और इनके अब इतने युद्ध ज्यादा तेज तीखा तीखा हो गया, क्योंकि जो शायद सेटलमेंट होना था वो नहीं हुई, और ड्राइंग रूम की बातें कि किसी भी राजनीतिक दल में एक कोई प्रोटोकॉल होता है और एक एक लिहाज होता है, जो बातें आप बिहाइंड द कर्टन करते हैं वो भले ही बातें मिसफायर हो गई लेकिन सामने नहीं लाते, वो बातें उन्होंने सामने लाई, लाने का प्रयास किया, उसमें कुछ झूठ भी परोसा गया। अब इनका टारगेट ये है कि इंडिया गठबंधन के जितने पार्टियां हैं, कांग्रेस को छोड़ कांग्रेस भी, ये सब परिवारवाद वाले हैं, और इनको तोड़ना है। परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। अमित शाह के बेटे यदि BCCI में बड़े बड़े पोस्ट पे है क्योंकि वो बेहतरीन क्रिकेटर है, वो ऑल इंडिया मतलब वो वर्ल्ड टीम में थे क्रिकेट के, शायद इनके बीजेपी के सौरभ गांगुली की तरह, सौरभ गांगुली की तरह वर्ल्ड टीम के कैप्टन हो सकते हैं, वो वहां पे थे। राजनाथ सिंह के बेटे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, ये मतलब कई है, अनुराग ठाकुर उनके पिता, उसके बाद ये जो रविशंकर परिवार कम भी कतार है, परिवारवाद से कोई मुक्त नहीं है। टाइगर मैं असली इशू पे आता हूँ, अगर जो आज जेपी नड्डा ने कहा, और हमें बहुत गंभीरता से जैसे आपने कहा कि जेपी नड्डा वही बोलते हैं जो सलीम और जावेद बताते हैं, यानी मोदी जी और अमित शाह जो बताते हैं वही बोलते हैं, वो अपने मन से नहीं बोलते, तो अगर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भाई ये नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी, ममता बनर्जी के भतीजे बंगाल में हमारे टारगेट हैं, अगर इस तरह से उन्होंने एक टारगेट, एक हिट लिस्ट आज सुनाई किसी न किसी बहाने, अगर इस हिट लिस्ट पर ईडी काम करती है, इनमें आधे से ज्यादा लोग जेल भेज दिए जाते हैं, तेजस्वी को जेल भेज दिया जाता है, अभिषेक बनर्जी उनको 9 तारीख को उनकी ईडी की इंट्रोगेशन है, सपोज करिए अभिषेक बनर्जी को भी उठा के जेल भेज देते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री उन पर भी ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनको भी जेल भेज देते हैं, और अगर स्टालिन पर भी हाथ डालते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, या फिर उद्धव ठाकरे पर भी हाथ डालते हैं, तो ये इसमें अगर इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाता है, तो आपको लगता है कि 4 महीने के बाद इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगी या उस राख के ढेर में से चिंगारी निकलेगी? एक विश्वनाथ का डायलॉग था बहुत फेमस जी, शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर थी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से बनी हुई बारूद को विश्वनाथ कहते हैं। कौन विश्वनाथ है? कई शत्रुघ्न सिन्हा, ये इंडिया विश्वनाथ होगा। यदि विश्वनाथ को आप जलाने का प्रयास करोगे तो हाथ जला लेंगे। मैंने आपको कल भी कहा, उस परसों भी कहा और आज भी कह रहा हूं, 60-70% इंडिया गठबंधन के नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास ये अंतिम शस्त्र है कि इनको चुनाव के परिदृश्य से गायब करो, इनको जेल में डालो और फिर देखो ये क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, ये गलतियां कर रहे हैं मोदी? क्या ये रिपीटेड मिस्टेक्स हैं? उनको अभी समझ नहीं आ रहा है? ये समझ क्यों नहीं आ रहा मोदी को? मोदी जी के पास इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा नेता है, साथ में अमित शाह जैसा चाणक्य है, और उनको समझ नहीं आ रहा है आप कह रहे हैं? कौन बड़ा नेता है, किसको बड़ा नेता? मोदी, मोदी जी बड़े नेता होते तो इनकम टैक्स, CBI और ED को छोड़ के चुनाव लड़के देखते, फेयर कंपटीशन करते, दो दो हाथ आते मार्केट में, चुनाव में आ जाते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, CBI के बाद भी आप कलकत्ता नहीं, बंगाल नहीं जीत पाए, कर्नाटक नहीं जीत पाए, हिमाचल नहीं जीत पाए, दिल्ली नहीं जीत पाए, ईडी के बाद भी महाराष्ट्र में आपने सरकार तोड़ी, सरकार बनाई लेकिन सरकार चला नहीं पा रहे आप।
जी तो आप आपका पास अचीवमेंट क्या है? ईडी से अब इंडिया गठबंधन को हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, अब लोग जेल जाने को तैयार हैं। जी लेकिन आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं दीपक भाई, आप क्या करेंगे? आप स्टेट चुनाव लड़ नहीं सकते, आप उपलब्धियों के भरोसे चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि आपने उपलब्धियां नहीं है। आप बार बार इमरजेंसी, बार बार गांधी परिवार, बार बार देश ने कुछ नहीं किया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं लास्ट क्वेश्चन को समय भी हो रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या मोदी और शाह के पास कोई विकल्प नहीं बचा है? क्या अब सिर्फ और सिर्फ विकल्प रह गया है कि जिससे लड़ना है उसी को जेल भेज दो, जो सामने खड़ा है प्रतिद्वंदी है उसी को हटा दो मैदान से? क्या अब यही विकल्प है? क्या चुनाव में 1-to-1 सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं मोदी? 2014 से लेके आज तक जिन लोगों ने चुनाव ऐसे ही लड़े हैं इनकम टैक्स सीबीआई ईडी के भरोसे, वो चुनाव लड़ना ही नहीं जानते। वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़े, कभी आपको पुलवामा करवाना पड़ता है तो कभी क्या करना पड़ता है, या पुलवामा होने देना पड़ता है, जो भी है मलिक साहब के अनुसार। तो कुल मिलाकर आपने फेयर चुनाव कब लड़ा, कब कॉन्टेस्ट किया आपने? टाइगर एक लास्ट चीज आप बता दी, बस लास्ट में आपसे चलते चलते एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप नागपुर भी जाते हैं और आरएसएस के एक आध नेता भी आपके टच में रहते हैं, और कई पत्रकार जो मोहन भागवत को बहुत करीबी से जानते हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात होती रहती, यानी आरएसएस पर आप बारीक निगाह रखते हैं। आरएसएस इस वक्त क्या सोच रहा है? मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, वो आज के हालात में मोदी और शाह को कैसे असेस कर रहा है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है मोहन भागवत के? लास्ट क्वेश्चन सर। उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, उन चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, चुनाव के नतीजे फेवरेबल नहीं है। पांच राज्यों के चुनाव, सेमीफाइनल के नतीजे, पांच राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, नहीं उसके बाद एक चांस देंगे लोकसभा का, ये तो मैं बता रहा हूँ। संघ तो एक चांस देगा, लेकिन यदि इसमें नहीं आए तो घोड़े बदल दिए जाएंगे। मतलब घोड़े, संघ एक अपने गोल के तरफ रथ लेके निकला है, संघ को कोई जल्दी नहीं है, संघ और 50 साल रुक सकता है, जो उनको जिस टाइप की सरकार और जिस टाइप का मैंडेट चाहिए। मतलब आपका कहना है कि 24 अगर मोदी 24 में मोदी को मौका दिया जाएगा, अगर मोदी मेजॉरिटी से नीचे आते हैं सरकार बनाने में, तो अगर वो कुछ कामयाब नहीं होते तो मोदी को बदल दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? तुरंत तुरंत बदल दिया जाएगा, संघ बहुत हार्टलेस है, संघ ने ऐसा ही अडवाणी जी को घर बिठाया, मोदी जी को बिठाने में कोई संघ को देर नहीं, संघ को कोई मोदी से प्रेम नहीं, ना अडवाणी से प्रेम था, संघ को अपने गोल से प्रेम है, संघ अपने तरीके से चलता है। जी तो टाइगर कुल मिलाकर आज आपका ये कहना है कि जो जमीन है सामने वाली, बड़ी मुश्किल है मोदी जी के लिए, और अगर मोदी जी सही नंबर उनको नहीं मिले तो संघ उनको बदल भी सकता है। और आपने एक बड़ी बात और कही कि अगर जेल भेजने की कोशिश करी जाए तेजस्वी को, अभिषेक बनर्जी को, या फिर स्टालिन को, या उद्धव ठाकरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेल से भी उभरेंगे, जननायक बन के उभरेंगे ये लोग, जेल से भी इंडिया अलायंस पूरी चुनौती देगी। यानी कुल मिलाकर सिक्के का कोई भी पहलू देख लीजिए दीपक भाई, सिक्के का कोई भी पहलू है, सारी स्थितियां मोदी के अगेंस्ट जा रही हैं। जेल जाना ये भ्रष्टाचार का द्योतक रहा नहीं है। आज के डेट में राजनीतिक दल के किसी नेता को जब जेल डालती है ईडी, तो जनमानस ये समझता है कि ये मोदी जी को चैलेंज खड़ा कर रहा था, इसलिए इसको जेल में डाल दिया, चैलेंजर को जेल। मोदी जी के बराबरी के कद में आ गया है, ऐसा उसका कद बढ़ता है। तो निश्चित रूप से संजय सिंह का कद बढ़ेगा, या फिर मनीष सिसोदिया जब लौटेंगे उनका कद बढ़ेगा। जिस तरह से संजय राउत या अनिल देशमुख, इन्होंने जेल से लौटकर शिवसेना को मजबूत किया, किसी ने शरद पवार को मजबूत कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह का रथ कहीं ना कहीं फंसा हुआ आपको दिख रहा है, और पांच राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उसमें मट्टी पलीत होती है तो स्थितियां और ज्यादा हाथ से निकल जाएंगी मोदी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यकीन नहीं, मोदी की निकल गई है हाथ से चीजें, हिमाचल
कर्नाटक दिल्ली के बाद चीजें हाथ से निकल गई है, एक दयनीय प्रयास कर रहे हैं इन पांच राज्यों में, इन पांच राज्यों में दयनीय प्रवास, मतलब भैया दया आती है उनके प्रयासों की। चलिए, और उस प्रयास के बाद यदि नतीजे विपरीत आ गए, मैं एक और एक एक आपको आगामी कर रहा हूं इस बात, यदि पांच राज्यों के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए तो लोकसभा के चुनाव के समय ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का तो प्रकोप होगा ही, लेकिन फिर हिंदू मुसलमान के दंगे भी बढ़ेंगे, रक्तपात होगा, कुछ भी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं कि एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश होगी, एक जिसे एक डेस्परेट एफर्ट कहते लिए जाए, इतने जल्दी इतने आराम से सत्ता हाथ से जाने नहीं देंगे। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि इस तरह का कोई दंगे हो या ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, लेकिन जी आपने एकदम सही कहा, दर्शकों को भी आगाह कर रहा हूं कि ऐसे ट्रैप में ना आए, ऐसी स्थितियों से बचना है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पांच राज्यों के चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान, ये पांच राज्यों के चुनाव मोदी जी के लिए सचमुच में सेमीफाइनल है, और अगर ये सेमीफाइनल हारे तो फिर फाइनल का भगवान ही भरोसे है फिर क्या होने जा रहा है। टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला और आप आज खुलकर बोले, बेखौफ जैसे बोलते हैं आपने, उस तरह स्थितियों को सबके सामने रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह से वक्त निकालते हैं हमारे दोस्तों के लिए, मैं फिर से आपको जो है नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ।